ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ब्रांच खोलते हैं अलग अलग जगह पे, जहां पे उनकी पहुंच नहीं है वहां पे अपना ब्रांच खोल देते हैं। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ब्रांच मींस एनी बिजनेस यूनिट एनी बिजनेस यूनिट विच डज द वर्क्स ऑफ हेड ऑफिस और द वर्क इक्वेलेंट टू दोज डन बाय हेड ऑफिस। नेक्स्ट लाइन्स लिखिएगा, ब्रांच इंक्लूड एनी सब्सिडियरी डिवीजन सब्सिडियरी शॉप सब्सिडियरी ऑफिस एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अ ब्रांच हैज नो एग्जिस्टेंस, अ ब्रांच हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट हेड ऑफिस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस डिपेंडेंस अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के बिहाफ पर एक हो गया आपका इन लैंड और दूसरा हो गया फॉरेन। हेड ऑफिस इन वन कंट्री ब्रांचेस इन अनदर कंट्री, तो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? फॉरेन ब्रांच। इनलैंड में क्या है? हेड ऑफिस एंड ब्रांच विद इन सेम कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, एक हो जाती है आपकी डिपेंडेंट ब्रांच एक हो जाता है आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच।
डिपेंडेंट ब्रांच में थोड़ा सा लिख लीजिए. डिपेंडेंट ब्रांच मीन्स द ब्रांचेस विच आर होली डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस. Dependent branch means the branches which are wholly dependent on the head office. Dependent branch में पहला point लिखिए. Such branch receive goods and cash from head office. दूसरा main point लिखिए. No authority to purchase of goods. कर दीजिए. हाँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए. डिपेंडेंट ब्रांच मींस द ब्रांच होली डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस. ये तो हो गया. फिर उसमें पहला पॉइंट है, सच ब्रांच रिसीव गुड्स एंड कैश फ्रॉम हेड ऑफिस. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नो अथॉरिटी टू परचेज गुड्स from open market. ओपन मार्केट से कोई भी गुड्स परचेज नहीं कर सकता. एग्जाम्पल के तौर पर मैकडोनल्ड की तो खैर फ्रेंचाइजी चल रही, लेकिन अगर हम इसको डिपेंडेंट फ्रेंचाइजी भी को भी अगर डिपेंडेंट ब्रांच के तौर पर लेके देख के चले, या मैकडोनल्ड हो गया, जो बैंकों की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ये सब डिपेंडेंट होती है. किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? हेड ऑफिस के ऊपर. हेड ऑफिस जैसा कहता वैसा ही करती है. जैसे मैकडोनल्ड में ब्रेड खत्म हो जाए तो मिस्टर ब्राउन से ब्रेड खरीद के ला के नहीं बना के दे देगा, वो ब्रेड कंपनी से ही नोएडा से ही आएगी या जहां से उसका सप्लाई है वहीं से आएगा, अपने से नहीं खरीद सकता. फिर हेडिंग आ गई इंडिपेंडेंट ब्रांच. इंडिपेंडेंट ब्रांच not fully dependent on not fully dependent on head office. These branches maintain their account books. एक डिफरेंस तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में. डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो अपना अकाउंट बुक मेंटेन नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है. दीज ब्रांचेस मेंटेन देयर अकाउंट बुक, दे सेंड देयर ट्रायल बैलेंस टू द हेड ऑफिस. दूसरा पॉइंट लिखे, इंडिपेंडेंट ब्रांच वर्क एज सेपरेट बिजनेस यूनिट. सॉरी, इंडिपेंडेंट ब्रांच वर्क एज सेपरेट बिजनेस यूनिट. फिर हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट
branch in head office. Branch account method, या इसको debtor method भी लिख लेना, debtor method. Final account method. Stock and debtor method. Wholesale branch method. सबसे पहले ब्रांच अकाउंट मेथड में लिखिए, सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर एवरी ब्रांच. इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. ब्रांच अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है. It is also called synthetic method. Synthetic method. Yes, synthetic. Opening balance, stock, debtor, asset, by closing balance, stock, debtor, asset, opening balance, bracket में लिख लेना liabilities के, क्लोजिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिख लेना लायबिलिटीज के. टू गुड्स सप्लाइड बाय गुड्स रिटर्न. ठीक है. टू एक्स कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेंस बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेना सेंड, यानी कि जो पैसा हेड ऑफिस को भेजा गया. तो हेड ऑफिस को दो पैसे भेजे जाते हैं, याद रखना, एक सेल्स वाला और दूसरा, एक मिनट, हेलो, आई यू सी एम कॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स. हाँ वो फॉर्मेट तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे ना जो मैं नोट करा रहा था. चलो देखो, टू ओपनिंग बैलेंस स्टॉक डेटर एसेट
बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक डेटर और एसेट टू गुड्स सप्लाइड बाय गुड्स रिटर्न बाय ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी लिख लेना टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में कैश सेल्स और दूसरा कैश फ्रॉम डेटर्स टू क्लोजिंग बैलेंस ब्रैकेट में लायबिलिटी. अब यहां पे आएगा टू प्रॉफिट अगर डेबिट में आया और क्रेडिट में आ जाएगा बाय लॉस. दैट्स इट. ये फॉर्मेट नोट करो ब्रांच अकाउंट का. स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांच डेटर अकाउंट. इसका क्वेश्चन भी पूछा यूपीपीसीएल में. सबसे पहले ओपनिंग डेटर्स क्योंकि डेटर एसेट होता है टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी. जिन जिन चीजों से डेटर की वैल्यू बढ़ेगी उनको डेबिट साइड, जिनसे जिनसे डेटर की वैल्यू घटेगी उनको क्रेडिट साइड. तो आप ध्यान दीजिए जिन जिन चीजों से डेटर की वैल्यू बढ़ती है उनको डेबिट में, जिन जिन चीजों से घटती है उनको क्रेडिट में. तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स से बढ़ती है बाय गुड्स रिटर्न घट जाएगी बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर घट जाएगी बाय बैड डेब्ट घट जाएगा बाय डिस्काउंट घट जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर बढ़ जाएगा. ये नोट कर लो. हेडिंग डालो फॉरेन ब्रांच. फॉरेन ब्रांच वहां पे लिख लो फॉरेन ब्रांच आर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. फॉरेन ब्रांच आर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. ठीक है. अब देखना फॉरेन ब्रांच का जो यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिकली फॉरेन ब्रांच का कन्वर्जन पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन डॉलर में या डॉलर का अगर ट्रायल बैलेंस है तो उसका रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो जाहिर सी बात है फॉरेन ब्रांच है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट होता है वो होता है एक्सचेंज रेट का. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स फिर उसके बाद
फिक्स्ड लायबिलिटीज, ठीक है, आई फिक्स्ड एसेट्स, पहला पॉइंट, एट द रेट prevailing on the date of acquiring the fixed assets. At the rate आज कॉलेज गई थी ना मुस्कान, उससे कह देना कि जो क्वेश्चन हमने कराया था उसका बैलेंस शीट मैच करा लिए क्या, कह देना कि उसको करा करके जनरेट भी करके तब कल कॉलेज आएगी, और नहीं अगर की होगी तो करवा देना. At the rate prevailing, एकदम तुम्हारी तरह है फाल्गुनी वो, ऑन द, अरे वो IRCTC वाला भर देना यार. हाँ भर देना. ऑन द डेट ऑफ, क्योंकि रेलवे का है ना पेमेंट, हो सकता है उसमें चांस है क्योंकि बीकॉम का वो परसेंटेज ले रहे हैं. बीकॉम नहीं, सेम इंटर भी मांगा है. फॉर द फिक्स्ड एसेट, तीसरा पॉइंट, एट द ओपनिंग रेट इफ अबव टू नॉट गिवन, अगर ऊपर के दोनों रेट नहीं दिए होंगे ना तब तीसरा वाला लगाएंगे. फिक्स लाइबिलिटीज का कन्वर्टर किसके होता है भाई, एट द रेट of undertaking the liabilities at opening rate if above not given. फिर उसके बाद next है current assets. करंट एसेट्स को किस रेट पे लिखिए, क्लोजिंग रेट, बैड डेब्ट रेट एप्लीकेबल ऑन डेटर्स, मतलब जो रेट आपने डेटर्स के ऊपर लगाया है वही रेट आप बैड डेब्ट के ऊपर लगाएंगे. तो डेटर्स के ऊपर कौन सा रेट लगाया, क्लोजिंग रेट, तो डेट बैड डेब्ट के ऊपर भी कौन सा रेट लगेगा, क्लोजिंग रेट. फिर डेप्रिशिएशन, यहां लिख लीजिए रेट एप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिर उसके बाद लिखिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी.
sometime the rate are, next line se likhega, sometime the rate are stable or fluctuating. तो लिखिए हेडिंग वाली व्हेन द रेट आर स्टेबल व्हेन द रेट आर स्टेबल लिखिए ऑल बैलेंस आर कन्वर्टेड ऑल बैलेंस विल बी कन्वर्टेड एट स्टेबल रेट will be converted at the stable rate except the following pehla point likhiye head office account comma remittance to head office account such branch asset teesra usi comma karke such branch asset comma the account of which are maintained by HO fir heading aaliye when the rate of exchange is fluctuating when the rate of exchange is fluctuating फिर उसके बाद देखिए व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फ्लक्चुएटिंग व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फ्लक्चुएटिंग तो देयर आर फोर रेट ओपनिंग रेट क्लोजिंग रेट एवरेज रेट पर्टिकुलर डेट रेट ये चार रेट होते हैं भाई तो इन चारों रेट के बारे में मैंने ऊपर ही लिखवा दिया कि कौन से रेट पे क्या चीज कन्वर्ट होगी देखो लिखवाया ना बस
अब आप लोगों का जो छोटा सा काम है वो ये है, 5 साल के पेपर मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग चुपचाप 2017, 18, 19 और 20 और यूपी उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाला जो पेपर है दो, वो पहले तो इन तीनों पेपर में ब्रांच के जितने भी क्वेश्चंस दिए हो, 3 से 4 क्वेश्चन है हर पेपर में, वो एक किनारे कर लीजिए, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि उसमें क्या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिएगा हमारे लिए, थ्योरी पहले आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, खड़ा खड़ा खाना गटर पीटता है यार ये लड़का। सर माइक ऑफ है आपका। देखो ओपनिंग डेटास दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी 12,000 और क्लोजिंग डेटास दिया हुआ है 15,000, फिर आपका क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 28,000,
तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 40,000 आधा दिया 15,000, तो जो बैलेंस आ रहा है बाई कैश रिसीव ब्रैकेट में लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर 25,000। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं था, यही था। हाँ एक बार इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, मतलब सारे पेपर्स वाले ब्रांच के, और फिर उसके बाद जो है उसमें देख लीजिए अगर कोई ऐसा एज सच प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो पता है मतलब करने लायक नहीं है कैसा है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पूछेगा नहीं, तो बताइए। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये एक है 99 इन ब्रांच अकाउंट इन डेटर सिस्टम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, लिखवाया भी है टू ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, एक ये क्वेश्चन था। चलो